हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रियल्टी सेक्टर के ऊपर। आज निफ्टी रियल्टी के ऊपर अगर बात करेंगे तो आज हम लोगों को निफ्टी रियल्टी में 2.5% का एक अच्छा गिरावट देखने को मिला। निफ्टी की बात करेंगे 0.08% के गिरावट के साथ, मामूली गिरावट के साथ निफ्टी क्लोज दिया है, लेकिन रियल्टी सेक्टर में एक अच्छा गिरावट दिया देखने को मिला है, जहाँ पे DLF 3.5% से ज़्यादा, मैक्रोटेक डेवलपमेंट लोढ़ा की बात करेंगे 4% से ज़्यादा गिरा, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में एक अच्छा गिरावट हुआ, ओबेरॉय रियल्टी में, महिंद्रा लाइफ स्पेस में। तो आखिर ये गिरावट क्यों हो रहा है, कोई न्यूज़ है या फिर ये टेक्निकल गिरावट है, इस सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट करके जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम या फिर ट्विटर हैंडल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जो है यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जो है आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, साथ ही साथ जो है आपको और भी लाइव मार्केट में अगर कोई एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी दिखता है या इंट्राडे के लिए अपॉर्चुनिटी दिखता है, साथ ही साथ किसी भी चार्ट्स पे कोई अपडेट रहता है, कोई मार्केट का न्यूज़ रहता है, ये सभी बातें जो है हम लोग शेयर करते हैं। साथ ही साथ आप ट्विटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ट्विटर पे एक्टिव हैं तो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी रियल्टी की अगर देखेंगे, 2.5% का एक अच्छा गिरावट देखने को मिला। लास्ट 1 मंथ से अगर बात करेंगे तो निफ्टी रियल्टी में ज़्यादा हम लोगों को परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। अगर कुछ एक स्टॉक्स को हटा दें तो फिर आपको जो है मोर और लेस निफ्टी रियल्टी में उतना ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिला है। चलिए आगे बात को समझते हैं। सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। 2023 में अगर देखेंगे तो US की तरफ से जो आपको रियल्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आता है, 2023 में जो है वहाँ पे एक अच्छा डिक्लाइन देखने को मिला। ऑलमोस्ट जो है 39% का हम लोगों को डिक्लाइन देखने को मिला जो US इन्वेस्टर के द्वारा इंडियन रियल्टी सेक्टर में किया जाता है। फिर भी अगर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14% का ग्रोथ है, यानी कि 2022 के कंपेरिजन में देखेंगे तो 2023 में जो है 14% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो जो सबसे मेजर आपको हुआ है इन्वेस्टमेंट वो ऑफिस स्पेस सेगमेंट में, यानी कि कॉमर्शियल जो रेंटिंग पर्पस के लिए होता है वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिला। अब US से क्यों ये इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, क्योंकि एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, आपको इसराइल और फिलिस्तीन का वार हो गया, रसिया यूक्रेन का वार हो गया, और भी US चाइना का जो आपस में टकराव है, इन सभी का इफेक्ट जो ग्लोबल मार्केट पे है उसकी वजह से, साथ ही साथ जो US में इन्फ्लेशन ज़्यादा हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुआ, उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है हम लोगों को देखने को मिला। दूसरे अगर बात करेंगे, अगर डोमेस्टिक ग्राउंड पे हम लोग बात करेंगे तो डोमेस्टिक ग्राउंड पे जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा रियल इस्टेट सेक्टर में। ग्लोबली जरूर स्लो डाउन रहा रियल इस्टेट सेक्टर में, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे डोमेस्टिकली बात करेंगे तो 12% जो है अनसोल्ड रूम में जो है वो 12% का गिरावट NCR में देखने को मिला। और ओवरऑल अगर देखेंगे तो मेजर जो 9 सिटी है उसमें जो है 7% का गिरावट हम लोगों को लास्ट के 3 मंथ में देखने को मिला। वहीं अगर बात करेंगे तो फ्रेश सप्लाई जो है वो भी हम लोगों को यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं चार्ट्स के ऊपर। यहाँ पे अगर हम लोग चार्ट्स के ऊपर बात करेंगे तो निफ्टी रियल्टी में गिरावट क्यों देखने को मिल रहा है, इसका जवाब आपको मंथली चार्ट पे देखने को मिलेगा। मंथली चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो इस सेक्टर में लगातार तेजी देखने को मिल रहा था। जब भी आपको अक्टूबर नवंबर से निफ्टी रियल्टी में एक अच्छा तेजी, इनफैक्ट इन सभी स्टॉक्स में, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक डेवलपर, ओबेरॉय रियल्टी, इन सभी स्टॉक्स में जो है एक अच्छा तेजी हम लोगों को देखने को मिला। अब अगर यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी रियल्टी में भी सेम टाइम में एक अच्छा ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं जो है एक रेसिस्टेंस या एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए था, और वही प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोई ऐसा मेजर न्यूज़ नहीं है जिससे कि स्टॉक में आपको एक अच्छा गिरावट हो। यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार अगर यहाँ पे स्टॉक में तेजी आ रहा है, मोर देन 60-70% का रिटर्न अगर 5-6 मंथ में मिल रहा है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करना जरूर चाहते हैं।
चलिए आगे स्टॉक बाय स्टॉक के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। स्टॉक बाय स्टॉक के ऊपर अगर बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डीएलएफ के ऊपर। डीएलएफ में हम लोगों को 3.25% से ज़्यादा का गिरावट देखने को मिला। लास्ट वन मंथ के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो स्टॉक जो है 3% नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन लास्ट सिक्स मंथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो लास्ट सिक्स मंथ में 72% का एक शानदार रिटर्न के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। याद होगा इस स्टॉक को हम लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल पे 400 के लेवल के ऊपर जो है पोस्ट किया था। अगर हम लोग यहाँ पे ट्विटर पोस्ट को देखेंगे तो 400 के लेवल के ऊपर जो है हम लोगों ने इस स्टॉक को पोस्ट किया था 4th of November को, और उसके बाद से अगर देखेंगे तो लगातार जो है हम लोगों को स्टॉक में एक अच्छा तेजी यहाँ पे देखने को मिला है। 4th of November को हम लोगों ने इस स्टॉक को यहाँ पे पोस्ट किया था, और उस टाइम में ये स्टॉक जो है वो आपको ट्रेड कर रहा था 600 के लेवल पे, 595.85 के लेवल पे जो है स्टॉक उस टाइम में ट्रेड कर रहा था। उससे पहले भी एक बार मैंने पोस्ट किया था, वो 400 के लेवल पे था, बट 600 के लेवल से स्टॉक ने जो है एक जबरदस्त यहाँ पे हाई लगाया। स्टॉक ने यहाँ पे हाई लगाया 967.60 रुपीज़ का। अब जो है स्टॉक में हम लोगों को एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, तो अभी के लिए हम लोगों का क्या प्लान होना चाहिए? अगर आपके पास पोजीशन है तो आप जो है एक बार के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था मंथली बेसिस पे। मंथली बेसिस पे स्टॉक ने जो है यहाँ पे आपको मई 2023 में ब्रेकआउट दिया, और ये ब्रेकआउट जो है 450 के लेवल के ऊपर हुआ, और विद इन वन ईयर देखेंगे तो 100% का रिटर्न हो चुका है स्टॉक में। मंथली बेसिस पे कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, तो एक रिट्रेसमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर बात करेंगे वीकली बेसिस पे भी कोई रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। स्टॉक यहाँ पे काइंड ऑफ डबल टॉप का फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है, लगातार एक अच्छा तेजी हुआ, तेजी के बाद जो है स्टॉक यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है। नेकलाइन 800 के लेवल पे है। अगर 800 के लेवल के नीचे स्टॉक जाता है तो मेजर गिरावट होगा, नहीं तो स्टॉक जो है इस रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है और यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना के वापस से जो है स्टॉक ब्रेकआउट दे सकता है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, अपना पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे प्रॉफिट में हैं, नहीं तो अगर आप ट्रेलिंग एसएल को फॉलो करते हैं तो ट्रेलिंग एसएल को भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे स्टॉक के ऊपर बात करेंगे। दूसरा स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज को भी हम लोगों ने पोस्ट किया था। किस लेवल पे पोस्ट किया था इस बात को देख लेते हैं। यहाँ पे एक बना था आपको फ्लैग एंड पोल पैटर्न, और फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जब ब्रेकआउट हुआ था एग्जैक्टली हम लोगों ने इसी कैंडल के बाद जो है पोस्ट किया था, और उसके बाद से अगर देखेंगे तो स्टॉक में जो है हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिला 2500 के लेवल तक। हम लोगों का टारगेट भी 2500 का था, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस है, ये एक रेसिस्टेंस जोन है, और यहाँ पे स्टॉक ने अपना कंप्लीट कर लिया है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। अब स्टॉक में अगर फर्दर एक बार के लिए रिट्रेसमेंट आता है तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न को फॉर्म कर सकता है, नहीं तो और एक बार गिरावट होके थोड़ा उसके बाद ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन अभी के लिए अगर देखेंगे तो अभी इमीडिएटली आपको कोई भी पोजीशन नहीं लेना है, वेट कीजिए ब्रेकआउट का। एक बार स्टॉक इस हाई को ब्रेकआउट कर देता है 2600 के लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगता है, तभी जो है हम लोगों को इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा, और उसके बाद इस स्टॉक में जो है एक बड़ा टारगेट भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर ये राउंडिंग वाटर पैटर्न का ब्रेकआउट होता है टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा ये डेप्थ, और यहाँ पे अगर हम लोग डेप्थ की बात करेंगे तो ये 1600 पॉइंट का है, यानी कि स्टॉक 4000 के लेवल के ऊपर का टारगेट देखे जाएगा। लेकिन उसके लिए वेट करना है, पेशेंस के साथ वेट कीजिए। ब्रेकआउट होगा तभी ट्रेड लेंगे, ब्रेकआउट नहीं होगा तो अभी हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे, लास्ट स्टॉक है लोढ़ा। लोढ़ा के स्टॉक में भी हम लोग अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को यहां पे देखने को मिला था 750 के लेवल के ऊपर। स्टॉक यहां पे एक अच्छा आपको रिटर्न दिया, उसके बाद स्टॉक अभी लगातार जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहां पे मल्टीपल इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो है 1000 से 1250 इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम कब होगा? अपसाइड मोमेंटम होगा जब स्टॉक 1250 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा।
डाउनसाइड मोमेंटम कब होगा? जब स्टॉक जो है 1000 के लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। इन बिटवीन में क्या होगा? इन बिटवीन में हम लोग चैनल पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। चैनल पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आपको पता होगा जो लोअर चैनल पे जब भी मिलता है और यहाँ पे कोई भी अगर एक बुलिश साइन दिखता है डेली चार्ट या फिर और छोटे टाइम फ्रेम में अगर कोई भी एक बुलिश साइन दिखता है बाय कर लेंगे, टारगेट रहेगा अपर चैनल, अपर चैनल पे सेल कर देंगे, टारगेट रहेगा लोअर चैनल। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।